धनी श्री निज श्रीदेचन्द्रजिना श्रीप्राणनाथ श्री श्रीमिहिराज सुना तेज तेजकुवरे युगल को पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की इन चरणों की आर्स दिल को दिल बोले सुद परत रूहीं तो मोहम्मद सिफायत जो असल हक निश्वत जो असल हक निश्वत रूहे कदम पकड़े हक के दिल में प्राणी सुरक्ष ने श्री महामती जी के धाम हृदय से श्रीमुखवाणी में जो रस प्रवाहित हुआ है हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए हुआ है अभी आपने श्रृंगार ग्रंथ का वो मधुर गायन सुना अति मीठे रसीले रंग भरे प्राणेश्वर अक्षरातीत के चरण कमल कैसे हैं यह दर्शाया गया है वैसे तो परम धाम का एक एक कण अक्षरातीत के अंग का रोम रोम समान इश्क, समान प्रेम समान आनंद समान सौंदर्य को लिए बैठा है लेकिन जिस माया की दुनिया में हम बैठे हैं वहां के भावों के अनुसार हमें मूल्यांकन करना होता है ए सुख जाने सोरुवर्ष की जाके दिल दो कदम धरत चरणों को भी अत्यधिक मीठा रसीला कहा गया है नेत्रों को भी कहा गया है नए रसीले रंग भरे सखी ये छवि कहीं न जाए धनी के नेत्रों में अनंत प्रेम झलकता है क्योंकि हृदय में जो प्रेम उमड़ता है प्रेम के रस में आनंद प्रवाहित होता है वो नेत्रों से भी झलकता है चरणों से भी झलकता है मुखारविंद से भी झलकता है दीदार करने वाला अपने भावों के अनुसार अंगों का चयन करता है जिस प्रेम में सम्मान का पुट हो वह हृदय चरण को पहले देखना चाहेगा जिस हृदय में प्रेम के साथ अपनेपन की अधिकता हो सम्मान पीछे छूट जाए वो मुखार बिंद को देखना चाहेगा परमधाम में ऐसा नहीं है परमधाम में जो चरण में विशेषता है वही हृदय में विशेषता है वही नेत्र में विशेषता है वही मुखारविंद में विशेषता है लेकिन इस माया की दुनिया में हम रहते हैं इस मायावी जगत में जब हम अपने किसी वर्षों पुराने मित्र से मिले दो प्रेमियों का मिलन हो पति पत्नी का मिलन हो प्रिया प्रीतम का मिलन हो तो कोई दूसरे के चरणों की तरफ नहीं दिखेगा दोनों में जो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा है समर्पण है वो अव्यक्त है व्यक्त है उसके प्रति अपनापन इसलिए दोनों के नेत्र मिलेंगे जब यह भाव होता है तो हमारे लिए कहा जाता है पी नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न प्रीतम के नेत्रों से नेत्र मिलाना है लेकिन जब हमारे अंदर श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ सम्मान जुड़ा हुआ है प्रेम भी है लेकिन सम्मान पहले है जैसे हम किसी गुरुजन के साथ मिले और हमसे कोई गलती हुई हो तो स्वाभाविक है शर्म से आंखें नहीं मिल पाएंगी हम गर्दन नीची कर लेते हैं हृदय में श्रद्धा है सम्मान है प्रेम भी है लेकिन चरणों की तरफ दृष्टि जाती है ऐसी अवस्था में क्या कहा जाता है गुण धनी के याद कर पकड़ पीऊँ के पाएँ ये प्रारंभिक अवस्था है धनी के गुणों को याद करना और धनी के चरणों को पकड़ लेना धनी के चरणों को पकड़ने का तात्पर्य धनी पर अटूट विश्वास रखना चरणों को पकड़ना और चरणों का दीदार करना दोनों में अंतर होता है क्या कहे है चारों जोड़े चरण के ये भुखन ये लिए हृदय ने अवध स्वरूप पूरण ये अलग अवस्था है आपके चंचल मन में जब अक्षरातीत के मुखार बिंद की सुबह नहीं ठहर पा रही है देखिए यहां के भावों से आपको बताया जाएगा किस तरह से राज्य की सुबह आपके दिल में बसे चरण का ध्यान करना बहुत सरल है मुखारबिंद का ध्यान करना प्रेमियों के लिए सरल है जानियों के लिए बहुत कठिन है और नेत्रों की तरफ देखना प्रेमियों के लिए भी कुछ जोर लगाना पड़ता है जानियों के लिए बहुत कठिन बात होती है जो उस स्तर पर पहुंचता जाएगा वो अपनी अपनी मंजिल को पता जाएगा तभी कहा जाता है कि प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन चरण की विशेषता क्या है जब एक एक अंग में हम डूबेंगे तो लगेगा राज्य के दिल में बैठने के पश्चात कि राज्य के सभी अंग तो समान हैं यह तो हमारे जीव के स्तर पर निर्भर करता है परमधाम की ब्रह्मात्मा तो सभी एक जैसी है उनकी सुरतारूप आत्मा भी एक जैसी है लेकिन सबका जीव एक समान नहीं है लालदास जी का जीव जैसा है मुकुंददास जी का जीव ऐसा नहीं है शाहुंडल का जीव जैसा है साकुमार कुमार का जीव ऐसा नहीं है दोनों में छत्तीस कांकड़ा है दोनों युद्ध में एक दूसरे के लिए तलवारें निकालते हैं और जैसे मिहिराज का जीव है वैसा बिहारी जी का जीव नहीं है जबकि परमधाम में इंद्रावती और बिहारी जी की आत्मा रतन भाई की आत्मा दोनों एक जैसी है जीव ने स्वभाव बदल रखा है अब ऐसे जीव को जो ये भावना ले रहा है कि मैं परम धाम की हूँ जीव परम धाम का नहीं है लेकिन परम धाम के ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर आ गया है अब जीव भी आत्मा की तरह आत्मभाव ले बैठा है जब तक वाणी का प्रकाश नहीं मिला था आत्मा ने जीव भाव ले रखा था मैं शरीर हूँ यहाँ पैदा हुआ हूँ लेकिन जब परमधाम की वाणी उसके हृदय में आती है अब जीव कहने लगता है कि मैंने राज्य से रद्द किया था मैं ब्रज में आई थी मैं रास में थी मैं जागने के ब्रह्मांड में आई हूँ अपने को जीव कहलाने के लिए जीव तैयार ही नहीं होता और जीव की यही कुर्बानी उसको ससर के पहली बहिस्त में ले जाएगी लेकिन यदि वो अपने जीव भाव को नहीं छोड़ पाया जिसको प्राणेश्वर माना है सर्वस्व माना है उनको अपने धाम हृदय के सिंहासन पर नहीं बसा पाया तो परिणाम क्या होगा उस अव्याकृत के सातवीं बहिस्त का अधिकारी बन जाएगा जो कर्मकांड के नियमों का पालन करते करते बेचारे को सातवी बहस्त आसानी से मिल जाएगी जो ऋषिमुनियों को कठोर साधनाओं से प्राप्त होती है लेकिन जिसने अपने हृदय सिंहासन पर धनी के चरण कमलों को बसा लिया आपने अभी जो सुना ए सुख जाने सोई रूह अर्श की जिन दिल दो कदम धरत अक्षरतीत के दोनों चरण कमलों की शोभा बस जाए तो निश्चित है कि नक से तक का पूरा श्रृंगार भी आ जाएगा कैसे एक बात देखिए तो बिजली के पंखे चल रहे हैं आप स्विच में अपना हाथ डालकर देखिए बिजली का जो प्रवाह है आपके हाथ से पूरे शरीर में फैल जाएगा उसी तरह से यह मत समझिए कि राज्य के चरणों को बसाएंगे तो राज्य का मुखार छूट जाएगा परम धाम में वह है आप जिन भावों में यहाँ बसते हैं उन भावों के अनुसार किसी भी अंग को दिल में बसा लीजिए यदि आपके अंदर इतना अपनापन हो गया है कि राज्य को आप छोड़कर आप तुम भी कह सकते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है चरण को बसाने की आप सीधे धनी के नेत्रों की तरफ दृष्टि कर सकते हैं लेकिन आप में यदि भय है या शालीनता की इतनी अधिकता है कि आप सोचते हैं कि राज्य को हम तुम क्यों कहें आप ही कहेंगे तो आपके लिए चरणों में चित्त लगाना ज़्यादा अच्छा होगा जिसने चरणों को दिल में बसा लिया उसने नक से सिख तक की श्रृंगार को भी बसा लिया जिसने मुखारविंद को बसा लिया उसने भी तक की शोभा को बसा लिया जिसने नेत्रों की शोभा को देख लिया तो उसने तो बाजी ही मार ली क्योंकि नेत्रों की तरफ दृष्टि करते ही उसके हृदय में प्रेम का रस ऐसा आएगा कि नक से सिख तक कुल स्वरूप की छवि उसके दिल में बसने लगेगी केवल एक पर्दा हटाना हाँ है हमारे अंदर जो माया का बसा हुआ है यह माया का पर्दा हमें जीव के दिल पर बैठकर जीव के सुख दुख की लीला को देखने के लिए विवश कर रहा है जैसे आप देखते हैं ना आपके मन में संशय होगा कि जीव का दिल तो माया से बना है आत्मा का दिल परात्म का दिल है परात्म के दिल का प्रतिबिंब है और परात्म का दिल राज्य का ही साक्षात नूरी दिल है तो प्रश्न यह है कि हम इस जीव के दिल में जो लाखों जन्मों से काम क्रोध लोभ, अहंकार की अग्नि में जल रहा है कैसे धनी के चरण कमल को बसा सकते हैं ये चिंता करना आपका विषय नहीं है आपका विषय है इस जीव के दिल में बार बार बैठाने का प्रयास करना जब यह प्रयास करना शुरू कर देंगे तो आत्मा का दिल जो जीव के दिल पर बैठकर जीव के दिल की सुख दुख की लीला को देख रहा था अब अपने दिल की तरफ जैसे ही दृष्टिपात करेगा उसके अंदर प्रेम का रस शुरू हो जाएगा आपको तो स्वयं कसौटी पर केवल अपने को कस करके दिखाना है कि नहीं मुझे संसार को नहीं देखना है परमधाम को देखना है इसको एक संसारिक दृष्टांत से समझिए जैसे अभी मैं दृष्टांत दे रहा था कि बिजली के स्विच में हाथ रखने पर पूरे शरीर में बिजली का करंट आ जाता है उसी तरह से जैसे कोई विद्युत का कंट्रोल रूम नियंत्रक कक्ष बना होता है आप उसमें देखेंगे अलग अलग स्विच बोर्ड होते हैं अलग दिशा में ले जाने के लिए अलग अलग स्विच में अलग अलग प्लग डालने पड़ते हैं आप जानते हैं इस बात को आपके जीव के दिल रूपी स्विच में जो डाला हुआ है उसको हटाकर आत्मा के दिल की तरफ केंद्रित करना है आप जो संसार को देख रहे हैं शरीर भाव से जीव भाव से उसको देखना बंद कर दीजिए धनी के चरणों की तरफ देखिए अभी आपने चौपाई सुनी कि परम धाम की आत्मा राज्य के चरणों को दिल में बसाती है और राज्य के दिल में बैठकर इसको को खोजा करती है वो चरण सुनिए ढूंढाता राज्य के दिल में बैठती है और इश्क को ढूंढती है अपने हृदय में धनी के चरण कमल को बसाती है और इश्क को ढूंढती है अब ये क्या है चितवनी की वो प्रारंभिक अवस्था जिसमें हम राज्य के चरणों को बसाना प्रारंभ करते हैं प्रेम खोजते हैं क्योंकि इश्क बिना न पाइए ये जो नूर तजल प्रेम कहाँ मिलेगा परिक्रमा में इस कुबजे का प्रकरण है और बताया गया है कि प्रेम कैसे पैदा होगा जैसे जैसे प्रेम के स्वरूप को हम दिल में बसाएंगे प्रेम हमारे अंदर आता जाएगा एक मनोविज्ञान का सिद्धांत है जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है जो हमारे दिल में है वैसा ही हम बोलते हैं वैसा ही सोचते हैं और वैसा ही करते हैं और जैसा करते हैं वैसे ही प्राप्त होते हैं यो यथा चिंतित स तथा भगवत यो यथा भवत स तथा चिंतित बैठे बातें करे बकार बैठक दुनी बातें करे दुनी की आखिर तित दो जक हम इस संसार में बैठकर यदि हम संसार की बातें करेंगे तो संसार के संस्कार हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे कीचड़ पर आप घृणा से पत्थर मारेंगे तो संभव है कीचड़ को आप कुछ हटा तो देंगे लेकिन कीचड़ के संस्कार आपके अंदर भी आ सकते हैं यदि आप संसार को सुधारना चाहते हैं तो संसारिक भा, सकारात्मक भावों से समीक्षात्मक दृष्टि से असत्य का खंडन अवश्य कीजिए लेकिन उसमें इतना लिप्त न हो जाइए कि असत्य के संस्कार कहीं आपके ऊपर हावी न हो जाए आप दूसरों को सत्य बोलने का उपदेश देते देते झूठ की खंडी करते करते इतने न असत्य हो जाइए कि कहीं झूठ के संस्कार आपको भी दबोच न ले क्योंकि यदि आप झूठ का भी चिंतन करेंगे तो कभी आपके संस्कारों में झूठ भी बच सकता है और उस संस्कार के अनुसार आप भी झूठ का आचरण कर सकते हैं इसलिए बैठे बातें करे बगा अर्श की तिथिस्त भई बैठक परमधाम की ब्रह्मात्माएं केवल राज्य का चिंतन करती है उनके होठों पर केवल जिक्र सुभान होता है केवल राज्य का वर्णन और परिणाम क्या होता है उनके संस्कारों में केवल राज्य बसते हैं और जानते हैं संसार में सबसे मीठा रस क्या होता है निंदा रस जब कोई व्यक्ति किसी को छोटा कह देता है तो गौरवान्वित होता है कि वह व्यक्ति छोटा है मैं बड़ा हूँ यहीं से वो भूल के ऐसी पगडंडी पर चल पड़ता है जहाँ से उसको कोई बचाने वाला नहीं होता आपकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए नन्यता न स्तुति जो जैसा है उसको यथार्थ रूप से वैसे ही ग्रहण करन करना निंदा हम क्यों करेंगे द्वेष के कारण प्रशंसा हम क्यों करेंगे आसक्ति के कारण द्वेष और आसक्ति दोनों ही जीव के विकार हैं और हमें इन दोनों से परे होकर पवित्र प्रेम के पथ पर चलना है तभी तो धनी के चरण कमल हमारे हृदय में स्थान बना पाएंगे महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत ने हमें वो सरल मार्ग बताया है कि हमें कुछ नहीं करना है आज आप सुंदर साथ को सागर श्रृंगार की वाणी की एक एक चौपाई की व्याख्या आपको दी गई ताकि सुंदर साथ इसका चिंतन करें और अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की शोभा को बसा लें इस शोभा को बसाने का फल क्या होगा अभी आपने सुना ए सुख जाने सो रूह की जाके दिल दो कदम धरत एक घंटा नहीं आधा घंटा नहीं जिसको अपने हृदय के सिंहासन पर पांच सेकंड के लिए भी राज्य के चरण कमलों की झलक मिल जाएगी यदि उसको कहा जाए कि सारी पृथ्वी का नहीं सारे ब्रह्मांड का स्वर्ग वैकुंठ सबका राज राज्य ले लो और ये चितवनी छोड़ दो तो शायद वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा अभी तो आपको दबाव देकर के चितवनी कराई जाती है सिखापन देकर कराई जाती है कि सुंदर साथ किसी भी तरह से चितवनी में लगे क्योंकि इसके सुख को कौन जानता है जिसने इस सृष्टि को बनाया है महेश्वर तंत्र में वर्णन आता है विष्णु भगवान अपने ध्यान में बैठे हैं योग माया के अंदर जो अखंड लीला होती है अभ्याकृत के महाकारण में उसका ध्यान कर रहे होते हैं लक्ष्मी जी पूछती हैं कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं विष्णु भगवान कहते हैं मैं अपने सहेलियों के साथ गई थी इसलिए मैं तुम्हारी याद में खोया हुआ था वो बात छिपा रहे हैं लक्ष्मी जी समझती हैं कि नहीं ये मेरे से छिपाव कर रहे हैं और जब हट करके तप कर देती हैं तब विष्णु भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी तुम कितनी भी तप करो सात कल्प, कल्प अलंकारिक भाषा है सात कल्प का तात्पर्य है सात वर्ष तुम सात कल्पांत की जगह सात कल्प की जगह इक्कीस कल्प यानी इक्कीस वर्ष भी तप करो तो भी मैं एक शब्द भी वहां का वर्णन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो वाणी से परे है आप सोचिए जो सृष्टिकर्ता अव्याकृत के महाकारण में होने वाली लीला शोभा और सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते तो केवल का क्या करेंगे जो केवल से भी परे स्वरूप है उसके परे अक्षर है और अक्षर से भी परे अक्षरातीत के नख से सिख तक की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है और उस शोभा को देखने में जो आनंद मिल सकता है उस आनंद का मूल्यांकन हमारी मानवीय बुद्धि नहीं कर सकती विष्णु भगवान को क्या हो सकता है थी ध्यान के ध्यान कर, में डूबे रहने की हम सुंदर साथ क्या कहते हैं क्या करें काम का इतना बोझ है कि अभी चितवनी के लिए समय नहीं निकल पा रहा पूछिए काम क्या है कोई अपने पद की गरिमा बता देगा कि आजकल ये पद हमें मिल गया है कोई बिजनेस की व्यस्तता बता देगा कोई पढ़ाई की व्यस्तता बता देगा कभी किसी ने सोचा है कि अचानक यदि शरीर छूट गया तो फिर क्या होगा हमने दस करोड़ की दस अरब की संपत्ति इकट्ठी कर ली और हमारा शरीर छूट जाए तो उस हमारी संपत्ति का भोग कौन करेगा हम तो देख भी नहीं पाएंगे पता नहीं हम कहाँ जन्मेंगे यदि हमें परमधाम की झलक मिल गई हमारी आत्मा जागृत हो गई तो राज्य के चरणों में पहुंचेंगे कदाचित यदि हमारा जीव जागृत नहीं हुआ तो पिछले 400 वर्षों में तो हमारी आत्मा जाने कितने तनों को पकड़ा होगा उन तनों में हमारा जीव जागृत नहीं हो सका लेकिन याद रखिए पहले तो आपके लिए क्षमा हो गई अब इतनी वाणी चर्चा सुनने के पश्चात यदि आपका जीव जागृत नहीं होता है तो आपके लिए क्षमा शब्द नहीं है धनी ने क्या कहा है जो कदी भूली बतन तो भी नजर तहा निदान परम धाम की ब्रह्म भी गलती करे लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि लगती है कि मेरा घर कोई और है जब तक भूली नींद में तब तक नहीं दोस्त जब जागी हक किल में भूली से अफसोस तारतम वाणी के प्रकाश में आप जागृत हो गए अब दूसरा कदम आपको आगे बढ़ाना है राज्य के प्रेम में जागृत होना राज्य के प्रेम में जागृत होने के लिए आपको चितवनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे जब आपके अंदर प्रेम आएगा तब तो आप अपनी आत्मा को जागृत करेंगे प्रेम आएगा प्रेम के स्वरूप को दिल में बसाने से प्रेम का स्वरूप आपके दिल में नहीं बस रहा है तो इसके लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है आपका चंचल मन जो लाखों जन्मों से जानता भी नहीं था कि सच्तानंद परमात्मा कैसा है या तो आपने मिट्टी और पत्थरों की मूर्तियों में खोजा होगा या शून्य निराकार में अपने को भटकाया होगा पहले तो अक्षरातीत की खबर देने वाला कोई नहीं आप संसार के पथपैंडों में जाइए पता नहीं ये दुनिया कहाँ कहाँ भटकती है अभी पन्ना जी से 20 किलोमीटर दूर पर सुतिक्षण मुनि का आश्रम है आज से लगभग 25 बाईस वर्ष पहले मैं वहां गया था वहां उस समय एक सौ आठ मंदिर बने हैं और आप जानते हैं उन मंदिरों में क्या रखा है छोटे छोटी घुमटियाँ बना दी गई हैं किसी में ईंटों के टुकड़े रख दिए गए हैं किसी में पत्थरों के टुकड़े किसी किसी में तो मूर्ति है लेकिन मूर्ति बनाने वाले ने एक सौ आठ की संख्या पूरी करने के लिए पत्थरों के टुकड़ों को भर दिया है पूछा जाए ये किसकी मूर्ति है मूर्ति भी नहीं न सालिग्राम है न शिवलिंग है मूर्ति की तो बात छोड़िए पत्थरों के टुकड़ों को ये दुनिया सिर झुकाती है अपने हृदय में बैठे हुए प्राणेश्वर को नहीं खोजती है हमारे साथ भी घटना घटित होती है जड़ में सिरले ढूंढती हक का दिल अरिश्चेतन प्राणेश्वर अक्षरातीत कहाँ मिलेगा आपकी आत्मा के धाम हृदय में मिलेगा महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अपने परम धाम की आत्माओं को जागृत कर रहे हैं इस छठे दिन की लीला में हर आत्मा को उसकी पात्रता के अनुसार पात्रता तो सबकी बराबर है जीव की पात्रता के अनुसार क्योंकि किसी जी का जीव ज्ञान की दृष्टि से सब शक्तिशाली है किसी का जीव सेवा की दृष्टि से शक्तिशाली है किसी का जीव प्रेम की दृष्टि से शक्तिशाली है जो जिस क्षेत्र में सबल है उसको उसकी पात्रता के अनुसार राज्य अपनी शक्ति देते हैं और उस धन से अपनी जागने की सेवा लेते हैं शोभा मिलती है उस आत्मा को करने कराने वाले स्वयं भी हैं तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत मूल स्वरूप दिल में जो कुछ लेते जाएंगे इस खेल में वैसा होता जाएगा फिर भी आत्मा भूल करके ये मान लेती है कि ये मैंने कर दिया यही तो सबसे बड़ी भूल है हमने अक्षरातीत से अपनी अलग जो पहचान बना ली है यही सबसे बड़ी भूल है और इसी के कारण खेल बना मार्फत में डूबने के लिए स्वयं की स्थिति को मिटाना पड़ेगा मैं बिन मैं मरे नहीं परात्म की मैं लीजिए तो यहां की मैं समाप्त हो जाएगी परात्म की मैं से जीव की मैं को आत्मा की मैं को हटाना होगा जीव की मैं क्या है जो संसार को लेकर बैठी है आत्मा की मैं क्या है आत्मा की मैं आपको मारिफत का दरवाजा रुक रही है आत्मा की मै को ज्ञान से पहले हटाइए फिर प्रेम से अपने आप हट जाएगी परमधाम में जो रब्द का कारण बना कि हम राज्य को रिझाती हैं मैं रिझाती हूं मेरा प्रेम बड़ा है यही सबसे बड़ी भूल थी यह कहना है कि मैं अक्षरातीत की अंगरूपा हूं उनकी प्राणेश्वरी हूं उनका इश्क मेरे दिल में उनका तन मेरा तन उनका दिल मेरा दिल हम और वो एक नहीं हैं यदि ऐसी भावना रहती तो कभी रब्द नहीं होता लेकिन यह बताने के लिए कि तुम मुझसे अलग नहीं हो मैं तुमसे अलग नहीं हूँ मेरा ही दिल तुम्हारे दिल के रूप में लीला कर रहा है मेरा मेरे ही तन तुम हो ये सारे खेल का प्रपंच बना और इसी इस ग्रब्द के कारण बेचारे इन संसार के जीवों को जो निराकार से परे आज तक कुछ नहीं जाने थे आप संसार के सभी मत पंथों में घूम आइए तब आपको पता चलेगा कि वाणी के ज्ञान की महत्ता क्या है जैसे बंगाल में जन्म लेने वालों को पानी की कीमत का एहसास नहीं होता उसी तरह से जिन सुंदर साहद को प्रतिदिन परम धाम की वहदत खिलवत की बात की जाती है तो उनको लगता है कि हमारे सिर पर जबरन डाला जा रहा है आप बद्रीनाथ घूम करके आइए केदारनाथ घूम कर के आइए गंगोत्री घूम कर आइए आपको तब पता चलेगा कि वाणी के ज्ञान की क्या महत्ता है सभी वेद वेदांगों में निष्णांत गुफाओं में साधना करने वाले बड़े बड़े योगी भी कहाँ भटक रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि निराकार से परी क्या है हाँ जरूर उनके यहाँ लाखों की भीड़ घोष एकत्रित होती है आप राधा स्वामी ब्यास चल चले जाइए वहाँ दस लाख की संख्या इकट्ठी होती है हम सुंदर सात तो एक लाख की संख्या इकट्ठी करना हमारे लिए एक बहुत कठिन बात है हमारे समाज में कहीं व्यवस्था नहीं है कि एक लाख सुंदर सात को इकट्ठा करके उनको कोई चर्चा वाणी सुनाई जा सके लेकिन वहाँ तो दस लाख लोग एक साथ बैठ के सुन सकते हैं लेकिन तत्व ज्ञान क्या कुछ नहीं ब्रह्मा कुमारी मत में भी जाइए दस हजार हजारों लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं दस हजार लोग, तो कर लोग तो एक साथ बैठकर भोजन करते हैं ऐसा नहीं कि ब्रह्मा कुमारी के पास ऊंचा ज्ञान आ गया हो या राधा स्वामी के पास ऊंचा ज्ञान आ गया हो या कबीर पंथ के पास सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्ञान है हाँ, हमने खुद वाणी के ज्ञान की महत्ता को नहीं समझाए क्योंकि हम राज्य के प्रेम में स्वयं को डुबा नहीं पा रहे हैं मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल कौन सा वह शुष्क हृदय होगा जो राज्य के इस मुखार बिंद की शोभा को देख कर पिघलता नो लेकिन हमारा रटर रहा उत्तर होता है क्या करें अभी समय नहीं होता या अभी चितवनी करके क्या करेंगे अभी हम सेवा पूजा कर लेते हैं आप सेवा पूजा कीजिए लेकिन कब तक सेवा पूजा करते रहेंगे यदि आप सर्विस करते हैं तो चार साल के बाद प्रमोशन मांगने लगते हैं अपने बच्चे को क्लास में भेजते हैं तो सोचते हैं कि अगले साल दूसरी कक्षा में चले जाएं और आप पचास साल के भी होते हैं तो वही मेहर सागर का पाठ वही परिक्रमा वही सेवा पूजा वही भोग आखिर कब तक चलता रहेगा जिसकी जिसके स्तर की जो कक्षा वह करे लेकिन कम से कम इतना तो समझिए कि आपके जीवन का एक एक पल कीमती है और आपकी आत्मा इस माया के खेल को देखने के लिए आई है आपने प्रारंभिक चरण में सेवा पूजा की मेर सागर का पाठ किया कीजिए लेकिन सागर श्रृंगार के लिए भी तो कुछ पल छोड़िए जिसमें आप शांत बैठ जाइए अपने हृदय में धनी के चरण कमलों की शोभा को बसाइए अति मीठे रसीले रंग भरे ये दोनों चरण कमल माधुरता के सागर हैं आनंद के रस से भरपूर हैं, अति मीठे रसीले रंग भरे धनी के चरण कमल भी अति मीठे रसीले तो हैं ही नेत्र भी अति मीठे रसीले हैं और मुखार बिंद तो है ही उनके हृदय में क्या है माधुर्यता का सागर आनंद का सागर सौंदर्य का सागर जीवन का आधार हमारा प्राणेश्वर अपने रूम रूम में अनंत सौंदर्य अनंत प्रेम अनंत आनंद अनंत वहदत नस्बत का रस समेटे हुए है और उसको हम देखने में कहीं ना कहीं अलस करते हैं तभी तो बाणी कहती है श्याबास तुम्हारी अरवाहों को श्याबास तुम्हारी हड़े सखत हमारे कठोर हृदय को समासी है कि हमारे कठोर हृदय में धनी की सुबह नहीं बसती एक तीर खींच करके चोड़िए केले के पेड़ में तो धंस जाता है लेकिन इन धनी के बान मुको ना लगे मुको ना लगे हार करके कहना पड़ता है महामती जी को महामती जी के हृदय में तो धनी बसते हैं लेकिन ये सिखापन हम सुंदर साथ के लिए हैं कि जिन सागर श्रृंगार के एक एक चरण को कहते समय महामती जी की आत्मा कहती है कि महामती तेरा हृदय इतना कठोर कैसे हो गया कि तूने अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की लांग तली लाल एड़ियों का वर्णन कर दिया तूने अक्षरातीत के होठों को किस मुख से कह दिया तूने अक्षरातीत के नेत्रों को देख कर भी उनका वर्णन करने में कैसी सफलता प्राप्त कर ली क्या तेरा हृदय भी उस पत्थर के समान है जिसको कहते समय तुझे तो ये शरीर ही छूट जाना चाहिए जिसकी एक झलक हमारे जीव को कोमल कर देती है और उसकी शोभा को हृदय हृदय में बसा देती है उस शोभा को कहते कहते भी हम कोमल हृदय नहीं हो पाते हैं याद रखिए मोमिन दिल कोमल किया तो अर्ज पाया किताब हमारा हृदय यदि धनी की सुबह को बसा नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी चूक है हमें अपने तिष्ठाओं के बंधन को ढीला करना पड़ेगा समाप्त करना पड़ेगा जब मैं कहता हूं सुंदर साहद से कि सुंदर साहत अपने तामसिक आहार का प्रत्याग कीजिए आप तिखी तिखी लाल मिर्चें बहुत खा चुके हैं सारी दुनिया में सारे जीवन में खा चुके हैं खा चुके हैं गर्म गर्म काफ़ी और चाय के प्याले पी चुके हैं सत्रह अठारह तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ मेरे पास पहले ही फरमाइश आ गई कि हमें काली चाय चाहिए कैफिन वाली बताइए पाँच दिन के लिए सुंदर साथ चाय के बिना रह नहीं सकता पाँच दिन तो क्या एक दिन भी मोबाइल के बिना रह नहीं सकता आप भी पसना में जाइए एक हफ्ते के लिए आपका मोबाइल पहले ही जब्त करा लिया जाएगा आपके घर कुछ भी घटित हो रहा हो आपको जानने की स्वीकृति नहीं आपके घर क्या हो रहा है आपको ये बात नहीं बताई जाएगी लेकिन हमारा लाडला सुंदर साथ जो कि परम धाम का है उसके ऊपर कोई नियम कानून ही नहीं लागू होता क्योंकि वो कहता है कि हम तो त्रिगुणातीत के धाम से आए हैं हमारे ऊपर संसार वालों का नियम थोड़े लागू होगा हम जो चाहें खाना पीना एक कहावत कही जाती है ना खाना पीना सोना ये मोमिन का काम दुनिया करे बंदगी मोमिन करे आराम लेकिन आराम किस में खाना पीना खिनखिन -खिन लिया प्यार अर्श रोहन पल पल मासुख देखना यही आहार असगन इसको कोई नहीं याद करेगा पलपल मासुख देखना यही आहार असगन ये हम भुला देते हैं हमारा आहार धनी का दीदार हमारा पानी पीवना दोस्ती हक़ यदि राज्य से प्रेम नहीं है तो हम समझ लीजिए कि हम पानी नहीं पी रहे हैं पानी पीना जैसे शरीर के लिए जिंदा रखने के लिए पानी आवश्यक है हमारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है राज्य का प्रेम और यदि हमने अपने जीवन को इस मंजिल पर पहुंचा दिया तो हम धन धन हो जाएंगे और इस जागनी में लीला में हमारा आना भी धन धन हो जाएगा बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारी इश्क ठौर ढूँढात दिल मोमिन अर्ष तो, तो कया जो असल हक निस्वत जो असल हक निस्वत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्रीधाम के धनी की श्री सदगुरु महाराज की प्रणाम जी